मरियम का बाबा चोर है, मरियम का भाई चोर है, मरियम का पूरा नंबर चोर है। और मैं और मेरे बाबा जो नवाज शरीफ साहब है वो इस मुल्क के सबसे बेहतर लीडर है। तो मरियम नवाज की अच्छी हैबिट लगती है आपको? पूरा हिंदुस्तान ही चोर है, सब भाई भी चोर है। इमरान खान जी उस्ताद के नाज़िर, मैं आपका मेजबान लिबर्टी में यहाँ पे फरहान साहब के सबसे प्यारे नन्हे से फैन यहाँ पे आए हैं, इनसे पूछेंगे यहाँ पे क्या करने आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जैन है और आज मैं आया हूँ इमरान खान को सपोर्ट करने के लिए और ये भी शो करने के लिए कि मरियम का बाबा चोर है, मरियम का भाई चोर है, मरियम का पूरा नंबर चोर है और भाई भी चोर है। किसने बताया आपको कि मरियम साहबा चोर है, मरियम के पापा नाना दादा चाचू सब चोर है, कैसे आपको पता चला? सबको सुनने में आता है भाई, सुनने में आता है। चोर है तो सही ना। तो इमरान खान साहब ऑनेस्ट है, लॉयल है? हाँ जी बहुत ज्यादा, इंशाल्लाह जो है बहुत ज्यादा फिर वो इलेक्शन और बहुत अच्छे से इंशाल्लाह इमरान खान वापस आ जाएंगे। और आपको लगता है इमरान साहब अगर वापस आए तो हमारे इस मुल्क के हालात अच्छे हो जाएंगे, यहाँ पे आप लोगों को जॉब भी मिलेगी और जितनी महंगाई है वो कम हो जाएगी? हाँ जी बहुत बेहतर हो जाएगी। खान साहब की किस बात से आप इंस्पायर हुए कि आप खान साहब को फॉलो करते हैं? वो बहुत ब्रेव है, बहुत लॉयल है और बहुत अच्छे इंसान है। लोग तो उनको कहते हैं वो लॉयल है ही नहीं, वो लोग कहते हैं उनके बारे में जो उनको पसंद नहीं करते तो वो पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं करते, वो यहूदी हैं और यहूदी और पाकिस्तान को भी वो सेल करना चाहते हैं, पाकिस्तान के जितने भी एटमी असासे हैं वो उनको बेचना चाहते हैं। हाँ जी बहुत गलत बात, ऐसे नहीं होना चाहिए। खान साहब ऐसे बिल्कुल भी नहीं है? नहीं बिल्कुल भी नहीं है। मेरी बेटी आप भी यहाँ पे आई हो, किस लिए यहाँ पे आई हो? आपके दिल में इमरान खान साहब के लिए मोहब्बत किसने डाली है? वो एक बहुत लॉयल इंसान है, बहुत रिलायबल इंसान है, बहुत। आपने उनकी क्या लॉयल्टी देखी है, क्या सुनी है लॉयल्टी? आपने किसी से सुना कुछ के खान साहब ने ये काम बड़ा अच्छा किया है तो जिससे आप इंस्पायर हुई हैं? उन्होंने पाकिस्तान के लिए हमेशा बेहतरी तरीके से सोचा, जैसे जो शख्स किसी की बेहतरी के लिए सोचता है लोग तो उसको सपोर्ट करते हैं कि लोग उसको आगे लेके आते हैं, लेकिन खान साहब को तो निकाल दिया गया और अभी भी खान साहब के खिलाफ लोग हैं, इसके मतलब क्या कि खान साहब बेहतर नहीं है? इमरान खान बहुत बेहतर है, कि जो लोग समझते हैं ये नहीं है बेहतर, मरियम नवाज शरीफ है उन सबको सपोर्ट करते हैं, इमरान खान ने तो बहुत अच्छे काम किए, उन्हें सपोर्ट करना चाहिए। अच्छा मरियम नवाज इमरान खान को पसंद क्यों नहीं करती? क्योंकि वो बहुत बुरी है और इवन दो इमरान खान जो है उन्हें चार गोलियां लगी वो फिर भी उठे रहे और देखे फिर भी इधर स्क्रीन पे है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे इंसान है, अच्छे इंसान है जी, बहुत ज्यादा। अभी तो आप सारे छोटे हो, आप अंडर 18 हो, वो तो आप कैसे उनको वोट डालोगे? आप क्यों आपके सपोर्ट ही बस उनको कर सकते हो ना? हाँ जी तो हम और बात पे ला सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं, ऐसे ही सारा काम चलो। अपने फ्रेंड्स के बताते हैं आप बाहर के इमरान खान साहब अच्छे हैं, वो लॉयल हैं? वो जी बिल्कुल, क्यों ना बताऊं? बताते हो जी, बहुत बताओ। मेरी प्यारी गुड़िया आप बताओ आप खान साहब को सपोर्ट क्यों करने यहाँ पे आई हो? वो सच कहते हैं और सच के साथ रहते हैं। आपको कैसे पता वो सच कहते हैं? कोई बात ऐसी है जो आपके मामा ने बताई हो, आपके बाबा ने बताई हो कि खान साहब ने ये बात बड़ी अच्छी की है और आपको प्राउड फील हुआ कि आप पाकिस्तानी है? बातों से मरियम नवाज की बातों में सच्चाई तो सच्चाई नजर नहीं आती, शहबाज शरीफ की बातों में सच्चाई नजर नहीं आती आपको? झूठ है वो तो कहते हैं कि इमरान खान साहब ने इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया है। मैं और मेरे बाबा जो नवाज शरीफ साहब है वो इस मुल्क के सबसे बेहतर लीडर है, सबको नजर आते हैं। और आपको लगता है इमरान खान साहब दोबारा अगर आए इंशाल्लाह हुकूमत में तो हमारे तमाम कंट्री की जो है सूरत हाल बदल देगी, लोगों को जॉब्स मिलेंगे यहाँ पे? आप अपने आप के फ्रेंड्स को क्या बताती है इमरान खान के बारे में? सच का साथ देना चाहिए। और आपको लगता है इंशाल्लाह खान साहब दोबारा आके जो है सच का साथ देंगे और जो है इन तमाम लोगों को जिन्होंने मुल्क को लूटा है उनको जेल में डालेंगे? उम्मीद है, करेंगे नहीं वो? खान साहब को क्या पैगाम दोगे आप? सॉरी इमरान खान साहब को क्या मैसेज दोगे आप? मैं दूंगा कि जैसे जा रहे हैं वैसे ही रहे और अल्लाह में बिलीव करते जाएं। खान साहब को लोग कहते हैं कि वो यहूदी हैं, वो तो इस्लाम को मानते नहीं है, तो आपको आपका दिल कहते हैं कि इमरान खान साहब इस्लाम को नहीं मानते? नहीं बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल मानते हैं, वो क्यों नहीं मानते हैं इस्लाम को? किस तरह आपको लगता है, आपने कोई बात देखी है उनकी इस्लाम में जो आपको लगता है नहीं नहीं ये तो बड़े इस्लाम पसंद है, जो इस्लाम को प्रमोट करते हैं? बहुत नेक बंदे हैं, बहुत अच्छे बंदे हैं, अल्लाह में बिलीव करते हैं। अल्लाह पर जो शख्स अल्लाह पर दिल से बिलीव करता है वो नेक होता है? जी
और जो मियां नवाज शरीफ साहब है वो लंदन से पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहे, आपको क्या लगता है क्या वजह? बहुत डरपोक है, उन्हें बस है कि मैं इधर ही रहूं, मैं पैसा है मेरे पास, वो बहुत डरपोक है, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करना है। मरियम तो कहती है जब मेरे बाबा पाकिस्तान में आएंगे तो यहाँ पे तमाम पाकिस्तानी उनको वेलकम करने के लिए एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे, क्योंकि नवाज शरीफ दिल के अंदर रहते हैं लोगों के। तो सब झूठ बोल रहे हैं, डर गए हैं ये लोग, डर गए हैं, सब झूठ बोल रहे हैं। अगर नवाज शरीफ पाकिस्तान में आएंगे तो कैसे इस्तकबाल होगा, लोग उनको वेलकम कैसे करेंगे? क्या लगता है बिल्कुल भी नहीं वेलकम होगा, लोग तो उन्हें पसंद नहीं करते, लोग नहीं करते पसंद। जी मेरी प्यारी सी गुड़िया, यहाँ पे किस लिए आई हुई हो आप? इमरान खान से मिलने। इमरान खान साहब के जमान पाक में और आप यहाँ पे हो, मतलब यहाँ पे लाइव स्पीच कर रहे हैं अपनी, इमरान साहब को क्यों अच्छे लगते हैं आपको? क्या उसमें कोई हैबिट आपको अच्छी लगती है जो आपके किसी ने आपके भाई ने बताई हो या आपकी सिस्टर ने बताई हो, कौन सी हैबिट आपकी खान साहब को अच्छी लगती है? सारी। तो मरियम नवाज की अच्छी हैबिट नहीं लगती आपको? नहीं। उसकी क्यों अच्छी नहीं लगती? पूरा भाई उसने क्या चोरी की है बताओ ना, क्या चोरी किया उसने? लोगों का पैसा सारा खा गए ये लोग, लोगों का सारा पैसा खा गए। वो तो कहते हैं हम लोगों का भला करते हैं, हमें लोगों के लिए यहाँ पे आटे की लाइन लगाई है, लोग यहाँ पे आए आटा ले, चावल ले, चीनी ले, यहाँ पे आते हैं। सारा झूठ है ना, कुछ सच है नहीं इनमें, सब झूठ है। तो ये ऐसा क्यों करते हैं, क्या इनको पाकिस्तान से प्यार नहीं है? उन्हें बिल्कुल भी प्यार नहीं है, सब झूठ और डर है ये, डर है। चलो मरियम नवाज को मैसेज दे दो, यही आप बहुत डरपोक हैं और आप कुछ अच्छा नहीं करती, आप मैच का तो आप चली गए। चलो जरा इमरान खान को क्या कहोगे आप? इमरान खान को मैसेज दे दो, पाकिस्तान जिंदाबाद। और इमरान खान वो भी जिंदाबाद। हाय अल्लाह, नाज़िम खान साहब जिंदाबाद है और रहेंगे, जब ऐसे बच्चे और हम लोग उनसे प्यार करेंगे तो अल्लाह पाक कभी उनको कुछ नहीं करेगा, पर हमारी दुआ दोबारा आए और जनाब हम तमाम लोगों के करिए की बात करें। बहुत शुक्रिया।